हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक रेसिपी लेकर आए हैं। उसका नाम है पत्ता गोभी के कोफ्ते। इसके लिए हमने पत्ता गोभी लिया है, उसको हमने वॉश कर लिया है। बेसन लिया है, ये टमाटर की प्यूरी लिया है, ये 4-5 टमाटर थे उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। इसके लिए हमने 3 प्याज लिए, 4-5 हरी मिर्च लिए और 4-5 लहसुन लिया है, उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, कसूरी मेथी ली है। इसके लिए हमने गरम मसाला लिया है, जीरा लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक लिया है। अब हम पत्ता गोभी को काट देंगे। अब हम पत्ता गोभी को कस लेंगे। अब हमारी पत्ता गोभी कस चुकी है। अब हम बेसन डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग डालने से थोड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम तेल डाल रहे हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम कोफ्ते बना रहे हैं। कोफ्ते किसी भी आकृति के लिए बना सकते हो। ये खाने में बहुत हेल्दी होता है। शुरू में हम तेज गैस रखेंगे, उसके बाद में थोड़ा सिकने लग जाएगा तो थोड़ा सिम पे कर देंगे। अब हम इसको पलट देंगे। हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब हम तेल बाउल में निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा तेल रहने देंगे। हमारा पहले से ही तेल गरम है। अब हम जीरा डालेंगे।
तो हींग डालेंगे। अब हम प्याज लहसुन मिर्च की पेस्ट डालेंगे और हम इसको चलाएंगे। अभी हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, क्योंकि कोफ्ते में हमने पहले नमक डाल चुके हैं, इसलिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसको बराबर सेक लेंगे। अब हमारा प्याज लहसुन की जो पेस्ट है वो हमारी सिक चुकी है। अब हम टमाटर पीसे हुए डालेंगे। अब इसको भी बराबर चलाते रहेंगे। अब हम कसूरी मेथी डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, क्योंकि हमने पहले हल्दी डाली नहीं थी। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमारे टमाटर भी सिक चुके हैं, तेल चारों तरफ से छोड़ दिया है, मसाला भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी तुम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे। अब हमारा पानी और मसाला सब एक हो गया है। अब इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम बाउल में निकाल रहे हैं। अब हमारे पत्ता गोभी के कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।